Hey guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely great. So guys, hopefully this would be the second last or maybe the third last video of the preparation series. I'm going to end the preparation series because now the tour dates are finally announced. Which I will in series last episode mein, Friday night ko jo hai, mere channel pe main live aunga aur main aapko jo hai apni tour ki dates bhi announce karunga aur ek complete jo hai route aapke sath share karunga aur kaise ja raha hu to matlab sab kuch kaun sa saman carry kar raha hu kis tarah carry kar raha hu ye sara kuch jo hai aapko main us last episode mein jo ki live hogi youtube channel pe friday night ko to usme aap log usko dekh sakenge. So guys, bahut sare log mujhse aksar ye sawal karte hain ki bhai aap kaun si riding gears use karte ho apne tours pe, to finally abhi maine socha kyun na jo hai मैं नॉर्थ टूर पे, क्योंकि मैं कुछ नया यूज़ करने वाला हूँ, कुछ नए राइडिंग गियर्स यूज़ करने वाला हूँ जो कि गियर टू गो कंपनी के पाकिस्तानी एक कंपनी है और दे आर मेड इन पाकिस्तान. तो इस टाइम मैं जो है पाकिस्तानी मेड चीज़ें यूज़ करने लगा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक इस पर एपिसोड बना लेते हैं प्रिपरेशन सीरीज़ के अंदर, ताकि आप लोगों को मैं अपने राइडिंग गियर्स के बारे में डिटेल से बता सकूँ. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो. मैं आपको बस आज जो है डिटेल से बताता हूँ कि कौन से राइडिंग गियर्स जो है मैं यूज़ करने लगा हूँ इस नॉर्थ टूर पर. तो गाइज अभी आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ मैंने पहन क्यों लिया है, क्योंकि पहनने की चीज़ है, तो मैंने कहा चलो उसको पहन की वीडियो शूट कर लेते हैं, दैट वुड बी ग्रेट. सो गाइज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द हेलमेट फर्स्ट. सो हेलमेट आप देख सकते हैं, दिस इज अ स्टड्स निंजा 3G जो कि एक मॉड्यूलर हेलमेट है. आई कैन पुल इट अप अगर मतलब ड्यूरिंग राइड, मुझे समटाइम्स होता है कि बाइक पे हम जा रहे हैं हम और पानी पीना होता है, प्यास लगती है, तो उसके लिए फिर हेलमेट उतारो दिस एंड दैट, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहीं से पी सकते हैं इसको फ्लिप अप कर से करके. सो दिस इज़ अ मॉड्यूलर हेलमेट दैट आई विल बी यूजिंग फॉर माय नॉर्थ राइड. स्टार्ट्स निंजा 3G है, तकरीबन 2 साल से मैं यूज़ कर चुका हूँ. आई नो कि अब ये हेलमेट जो है अपनी एक्सपायरी की तरफ जा रहा है, लेकिन इस टूर पर इस्तेमाल करते हैं एंड आफ्टर द टूर उसके बाद मैं ऑक्शन कर दूँगा. हाँ, राइडिंग गियर्स की जब बात करें तो साथ साथ जो है इंटरकॉम की भी बात कर लेते हैं. आप देख रहे होंगे माइक, तो दिस इज़ द इंटरकॉम जो हम यूज़ करेंगे अपनी नॉर्थ राइड पे, वो है वी नेट फोन का V6 1200. लेट्स टॉक अबाउट द ग्लव्स की बात कर लेते हैं. सो गाइज आपको मैं दिखा देता हूँ, इफ़ यू कैन सी यहाँ पे ये लोगो आपको नज़र आ रहा है गियर टू गो का. सो दिस इज़ दीज आर फ्राम गियर टू गो जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है. बिल्ड क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, पहले भी मैं ब्रांडेड ग्लव्स यूज़ कर रहा था, प्रो बाइकर के ग्लव्स मैंने यूज़ किए हैं, सोमी ब्रांड के मेरे पास ग्लव्स हैं जो कि विंटर ग्लव्स हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ, दे आर वेरी नाइस. लेकिन चूंकि ये पाकिस्तानी मेड स्टफ़ है, आई लव दीज ग्लव्स. बहुत सॉफ्ट मटेरियल है इनका और आप इनको अगर राइडिंग में आप यूज़ करेंगे तो इतना जल्दी इससे बंदा थकता नहीं है. ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इन ग्लव्स के बारे में. सो दीज आर द ग्लव्स जो मैं यूज़ करूँगा. बेसिकली ये बने हैं समर के लिए, प्रोटेक्टिव ग्लव्स हैं, राइडिंग ग्लव्स हैं, यहाँ फिंगर्स पे भी, यहाँ पे भी इनकी प्रोटेक्शन लगी हुई है और यहाँ पे भी मेन. सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द राइडिंग जैकेट दैट आई एम वेयरिंग एंड आई विल बी यूजिंग दिस राइडिंग जैकेट फॉर माय नॉर्थ टूर. सो गाइज दिस इज़ अ ब्रांडेड जैकेट जो कि एट्रो ब्रांड की है. ये आप देख सकते हैं ऑल सीजन जैकेट है, आप इसको विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं और समर में भी यूज़ कर सकते हैं. आपको एयर वेंट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे बैक पे हर जगह, तो इसकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी है और पैडिंग फुल यहाँ पे चेस्ट पे पैडिंग है, यहाँ पे बैक पे फुल पैडिंग है, तो मतलब अच्छे से कवर है. और इसका जो मटेरियल है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रिफ्लेक्टिव है, रात के टाइम में बैक पे भी है, ये बाजू पे जो वाइट नज़र आ रहा है ये रिफ्लेक्टिव है ताकि आपकी विजिबिलिटी भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाए. दूसरा आप लुक इसकी चेक कर रहे हैं, लुक वाइज भी अच्छी है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है इसका और फिटिंग में भी ये जैकेट बहुत अच्छी है और गर्मियों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द वेंटिलेशन. वेल वेंटिलेटेड जो है जैकेट बनाई गई है ये, और ये बहुत पुरानी है, काफ़ी अरसे से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन 4 साल हो गए मेरे ख्याल में, 4-5 साल हो चुके हैं. अगर आप देख सको, अगर आपको नज़र आए, क्योंकि ये देखें जंप मैंने क्यों लगाया है. अभी बेसिकली मैं आपको नी पैड्स दिखा रहा हूँ, नी गार्ड्स दिखा रहा हूँ जो कि मैंने अपनी नी, क्योंकि मैं राइडिंग पैंट नहीं यूज़ कर रहा, मैं नी गार्ड्स यूज़ कर रहा हूँ और दे आर आल्सो फ्रॉम गियर टू गो, दे आर मेड
इन पाकिस्तान बाय गियर टू गो, और बहुत अच्छे हैं, मूवेबल नी वाले हैं। जंप मैं इसलिए कर रहा था मैं ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये मूवेबल हैं और बड़े रिलैक्सिंग हैं, मतलब मैं इनके साथ जंप भी कर रहा हूँ, मुझे कोई फील नहीं हो रहा कि मैंने एक्स्ट्रा कुछ पहने हुआ है। सो गाइस, ये आपको नज़र आ रहा है गियर टू गो का लोगो, और ये आप देख सकते हैं, मतलब ये आपका फुल नी जो है बैंड हो सकता है, फुल बैंड हो रहा है, और काफ़ी हार्ड मटेरियल है। लेकिन इसकी जो मज़े की चीज़ है ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप इसका इनर देखें, इसके जो इनर लाइनर है वो देखें, इसके अंदर बहुत सॉफ्ट किस्म की पैडिंग यूज़ हुई है और एम्बोस हुई है पैडिंग। उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत अच्छी सी वेंटिलेशन आपको देते हैं। अगर आपने इसको अपने घुटने पे लगाया हुआ है, अपने इसने नी पे आपने लगाया हुआ है, तो स्वेटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से हवा जाती है, फिर ये आपके नी के साथ बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते। इनके अंदर, क्योंकि इनके लाइनर ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि उनके अंदर गैप रहता है, आपके नी गार्ड और आपकी नी के दरमियान में गैप रहता है, जिसकी वजह से आपको हवा भी लगती रहती है। सो दीज आर प्रिटी नाइस। इनकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इनको मैंने पहले यूज़ नहीं किया, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ग्लव्स भी ब्रांड न्यू है, तो ये मैं फर्स्ट टाइम जो है इस स्टोर पे यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस, आप बात कर लेते हैं राइडिंग शूज़ की, राइडिंग बूट्स की, जो कि मैं इस नॉर्थ राइड पर यूज़ करने वाला हूँ। सो आपको एक दिखा देता हूँ। सो दीज आर डेल्टा आउटसाइड, ये आर्मी के बूट्स हैं जो कि आर्मी यूज़ करती है फॉर द आउटसाइड पर्पसेस। ये आपको क्लोज लुक दे रहा हूँ, और ये नीचे से भी देख लें, काफ़ी अच्छी ग्रिप है इनकी, और थोड़े से लॉन्ग हैं तो अच्छे से आपकी पैंट इसके अंदर कवर हो जाती है। यहाँ से आप ज़िप ऊपर कर लेते हैं और ये बहुत अच्छा हो जाता है। सो ये बहुत लाइट वेट है, अंदर से बहुत सॉफ्ट मटेरियल है इनका। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, तो बारिश होगी तो हालत ख़राब कर देंगे ये। आई एम नॉट अ थीफ, कोई डाकू नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। अगर ठंड हुई तो आई बी यूजिंग दिस मास्क, आप देख सकते हैं, फुल आपके फेस को, हेड को कवर कर लेता है, और यहाँ नीचे से आपकी जैकेट के अंदर आ जाएगा, ऊपर हेलमेट आ जाएगा, किसी तरह से भी हवा जो है आपके हेलमेट के अंदर नहीं जा सकेगी और आपको ठंड से आप बच सकते हैं। सो अगर ठंड हुई, डेफिनेटली ठंड होगी, तो मैं ये यूज़ करूँगा, अदरवाइज मैं ये यूज़ करूँगा। ये हेड को कवर नहीं करता, क्योंकि अगर गर्मी हुई तो ऑलरेडी हेलमेट के अंदर स्वेटिंग हो रही होती है, अगर मैं हेड को कवर कर लूँ तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। ये आपका दो तरह से काम में आता है, पहला तो ये आपका विंड ब्रेकर है, आपकी हवा को हेलमेट के अंदर आपके फेस पे डायरेक्टली हिट नहीं होने देता, क्योंकि वाइज़र बंद होता है। लेकिन आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, अगर मैं वाइज़र को बंद करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से तो अब हवा नहीं जाएगी, लेकिन स्टिल जब हवा यहाँ पे आपको टच करती है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ आती है, नीचे से, क्योंकि हेलमेट खुला होता है, तो अगर ये मास्क ना पहना हुआ तो सीधी हवा नीचे से जो है आपको आपके फेस पे डायरेक्टली लगती है। दूसरा मास्क का फ़ायदा ये होता है कि हर तरह के इंसेक्ट से आप बच सकते हैं। वाइज़र तो आपने बंद किया होता है ड्यूरिंग राइड, लेकिन फिर भी तेज़ हवा में चलते हुए अचानक से कोई येलो बी अंदर आके घुस गई आपके हेलमेट में, और आपको वो जो है बाइक कर सकती है। सो दिस वुड बी वेरी डेंजरस, आपके आँख में कोई चीज़ जा सकती है, कोई इंसेक्ट घुस सकता है, कान में चला जा सकता है, तो ड्यूरिंग राइड ये चीज़ बहुत डेंजरस हो सकती है, बहुत रिस्की हो सकती है। सो इस तरह का मास्क जो है ये भी राइडिंग गेयर्स का हिस्सा होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी, लेकिन बिकॉज सेफ्टी शुड ऑलवेज बी योर नंबर वन प्रियोरिटी, इसलिए गर्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करना। अभी मैंने जैकेट पहनी हुई है, मुझे पता है किस तरह पसीना आ रहा है, लेकिन अभी तो मैं वैसे खड़ा हूँ तो हवा नहीं लग रही, लेकिन जब मैं राइड कर रहूँगा तो इस तरह की जो वेंट्स हैं इनको मैं ओपन रखूँगा, ताकि हवा जो है अंदर जाती रहे और मैं वेंटिलेटेड रहूँ, मेरी बॉडी जो है वो वेंटिलेटेड रहे। इसका भी बेहतर हल है कि मैं अगर ज़िप ओपन भी कर दूँ, ये देखें कितनी स्वेटिंग हो गई है थोड़ी देर इसको बंद रखने की वजह से, अगर मैं इसको ज़िप ओपन करके भी यूज़ करूँ, स्टिल मेरे लिए यूज़फुल है कि मुझे मेरे आर्म्स को प्रोटेक्ट करेगी, शोल्डर को, मेरी बैक को, बैक बोन को, इन सारी चीज़ों को स्टिल प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन होगा क्या, अगर इसको मैं खुला रखता हूँ तो फास्ट स्पीड में ये ऐसे होती जाएगी ऐसे। सो इट्स बेटर कि आप इसको क्लोज़ रखें यहाँ पे, क्योंकि राइडिंग गेयर्स की बात कर रहे हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले, इस एपिसोड को एंड करने से पहले, आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ।
अगर आपको राइडिंग जैकेट के अंदर गर्मी लगती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑल सीजन जैकेट यूज करें या समर के लिए अलग जैकेट यूज करें और विंटर के लिए अलग जैकेट यूज करें। ये ऑल सीजन है तो ये विंटर में भी चलती है, समर में भी चलती है, लेकिन जो समर के लिए स्पेसिफिकली बनी होती है बहुत लाइट वेट एक तो होती है और उसकी जो पैडिंग्स हैं वो सारा ब्रीदेबल होता है, मतलब उसके अंदर हवा क्रॉस कर सकती है, वेल वेंटिलेटेड होती है, तो आप समर जैकेट यूज़ करें। लेकिन अगर आपके पास समर जैकेट नहीं है, इस तरह की जैकेट आपके पास या विंटर जैकेट है इवन, जैसा कि मैंने कहा सेफ्टी शुड ऑलवेज बी योर नंबर वन प्रायोरिटी, सेफ्टी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लें। गर्मी से बचने के लिए मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, वो टिप क्या है, आपने जो नीचे जैकेट सॉरी जो शर्ट पहनी है आपने, क्या करें इसको उतारें और पानी में अच्छे से डिप करके इसको फिर जो है सोक कर लें और उसके बाद आप इसको पहन लें, या बेहतर आप इसको गीला करें फुल और गीले पहन लें, उसके बाद जैकेट को कम्प्लीटली बंद करें, इसके सारे वेंट्स को क्लोज कर दें ताकि हवा आपकी आपकी जैकेट के अंदर ना जा सके। जब आप तेज़ राइड करें कहीं ना कहीं से थोड़ी सी हवा जो है आपकी जैकेट के अंदर जाती रहेगी, क्योंकि आपकी शर्ट ऑलरेडी वेट है, तो इस तरह जो है आपकी बॉडी को वो जो बाहर से हवा लगेगी वेट शर्ट के ऊपर, तो आपकी पूरी बॉडी को वो ठंडा रखेगी। लेकिन अगर आप जिपर ओपन कर लेंगे तो मे बी विद इन 10 मिनट्स जो है या 5 मिनट्स आपकी शर्ट दोबारा से ड्राई हो जाए। सो गाइस इस टिप के साथ ही जो है आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और मैं अपनी इस मुसीबत को भी तमाम करता हूँ, बहुत गर्मी मुझे लग रही है, सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी किसी भी तरह से, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर नए आए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ जो लाल कलर का बटन आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर दो, घंटा दबा दो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। एक बार फिर कह रहा हूँ फ्राइडे नाइट को आई विल बी लाइव ऑन माय यूट्यूब चैनल, जो कि राइड स्टार्ट करने से पहले ऑफ कोर्स होगा, तो मैं आपको एक डिटेल्ड अपना प्लान बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कैसे कैसे जा रहा हूँ। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन प्लीज़ राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय।